बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने जो थप्पड़ इंडियंस के मुंह पर मारा है, यकीन कीजिए आज पूरी दुनिया में इतनी बेइज्जती इंडिया की हो रही है, इतनी ज़्यादा बेइज्जती। आप देख लें, पहले पाकिस्तान की बात कहता था, अब अफगान तालिबान के तर्जुमान। असल में इस वक्त सूरत हाल ही है कि ज़बीहुल्ला मुजाहिद इस वक्त जो भी बात करते हैं वो पूरा यूरोपियन मीडिया, पूरा अमेरिका का मीडिया, दुनिया भर में इवन इंडियन मीडिया भी उसको नशर कर रहा है। उसकी क्या रीज़न है? अफगानिस्तान हॉट टॉपिक है, पूरी दुनिया जानना चाह रही है इसका मुस्तकबिल क्या है। अमेरिका हारा है वहाँ से, इवन के रशिया, चाइना, आप देखें कि इस वक्त पंजशीर तालिबान ने फतह कर लिया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और फतह करने के बाद ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने कहा है कि जितने यहाँ पर ट्विटर के ऊपर फतूहात हो रही थी पंजशीर की कि ये फतह किया जा रहा है, वो फतह किया जा रहा है, वो सारे का सारा इंडिया का आईटी सेल चला रहा था, यानी मोदी सरकार का जो बीजेपी का आईटी सेल है, यानी सारे जाली अकाउंट्स, सारी तमाम चीज़ें पश्तूनों के नाम से, पंजशीर के नाम से, पेजी, सब कुछ चलाने वाले कौन लोग थे? इंडियंस। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए, अगर कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कि इंडिया सारे का सारा प्रोपेगेंडा कर रहा था और पंजशीर पर पहले भी वो शिकस्त खा रहे थे कि सारे का सारा प्रोपेगेंडा इंडिया कर रहा था कि हम जीत रहे, हमने इतने तालिबान मार दिए, कर दिए, वो कर दिए, और अब देख लीजिए कि जैसे ही हम वहां पर गए हैं, हमने फतह कर लिया है, तो बस सब कुछ दबड़दूस हो गया। अब इंडियन मीडिया क्या कह रहा है? इंडियन मीडिया इस वक्त सिर्फ एक ही बात कह रहा है, ये झूठ की आखिरी जो हदें होती हैं उसको भी क्रॉस कर चुके हैं। अब आप जरा अंदाजा कर ले इस वक्त सूरत हाल क्या है कि इंडियन मीडिया के अंदर जो चीजें चले, हकीकत टीम ने क्लिप सुनाया था आपको, जीडी बख्शी का क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, जो इंडिया का जर्नल है वहां पर, जिसने 40 किताबें लिखी हैं, आप अंदाजा कर लीजिए उसके मुंह पर भी ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने क्या थप्पड़ मारा है। ये पहले आपने क्लिप देखना है कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं कि पंजशीर कैसे फतह हुआ। फिर आपको बताते हैं कि जो नेटवर्क वहां से इसराइल का और इंडिया का पकड़ा है उससे पाकिस्तान को कितना फायदा होने वाला है और इंटेलिजेंस इदारे क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने दिल जीत लिया है, उन्होंने कहा है कि TTP के हवाले से वो क्या करने जा रहे हैं। ये पहले क्लिप सुनिए जीडी बख्शी का, फिर बताते हैं आपको। और क्या सबूत चाहिए सर? अब सबको दिख रहा है कि विश्व में कहीं भी आतंकवाद से जुड़ी हुई घटनाएं हो उसका सीधा सीधा लिंक पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आता है। देखिए साहब, अमेरिका ने रूस के ऊपर कड़ी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई है इस इल्जाम पर कि उन्होंने अपनी फौजें सिविल ड्रेस में भेजी हैं यूक्रेन के अंदर। अगर ये रूस के खिलाफ किया जा सकता है तो शरेआम पाकिस्तान की फौज वहां पे हस्तक्षेप कर रही है। तालिबान ने जब शुरू शुरू के हमले किए जो ताजिक के ऊपर पंजशीर में, उनको ब्लडी नोज मिला। फिर उन्होंने गुहार लगाई बाजवा साहब को कि आप हेल्प करिए, दो SSG बटालियंस फाइट कर रही है। और अगर ये जो सारे क्लेम्स कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, देखिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ सिवाज साहब से, पहाड़ों की लड़ाई में वैली पे घुसना कोई बड़ी बात नहीं है। वो दोनों हाइट साइड की ताजिक लड़ाकों के पास है, कब भी नीचे आके इनकी ऐसी तैसी कर सकते हैं ऊपर से एम्बुश करके। ये बिल्कुल कारगिल के पहाड़ है, हमारी सड़कें, हमारी रोड खुली थी, जा रहे थे हमारे ट्रक्स जबकि पाकिस्तानी ऊपर बैठे थे। ठीक है जी, पहाड़ की लड़ाई में आपको हाइट्स पकड़ दी होती है, हाइट सब ताजिक्स के पास है, पंजशीर के पास है। और देखिए जो पाकिस्तान के अंदर से मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, जो खबरें आ रही हैं मिर्जा साहब के जरिए, उसके मुताबिक पाकिस्तान का 11 कोर रीइंफोर्समेंट्स भेज रहा है पंजशीर की तरफ। नंबर एक, वो वहां पे एक तीसरी SSG बटालियन, अभी तक दो थी वहां, तीसरी भेज रहे हैं। एक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की कमांडो बटालियन जा रही है जी। तीन और NLI की बटालियंस को तैयार कर दिया गया है, दो तो लंडी कोटल पहुंच चुकी है लड़ाई में हस्तक्षेप करने के लिए। एक रेजिमेंट आर्टिलरी भेजी जा रही है। अगर आप लड़ाई जीत रहे हैं
तो क्या आप वहां पे रीइंफोर्समेंट्स भेजेंगे? बड़ी बात कह रहे हैं तो सर, कह रहे हैं लड़ाई पांच दिन से आप जीडी बख्शी सर दे रहे हैं। आपने सुना ये क्लिप जीडी बख्शी का? अब सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रख ली, जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जाली खबरें देने से और वीडियो शेयर करने से हकायक नहीं बदले जा सकते। हम इंडियन मीडिया को कहते हैं कि जो मजाहमती फोर्स है उसकी शिकस्त और तालिबान की जो फतह है उसमें आप लोगों के लिए एक मैसेज है। तुम लोगों ने सारा दिन सारी रात अपने जाली अकाउंट से और अपने मीडिया से झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लिया, झूठ बोला और एक कहते रहे कि पंजशीर फतह हो गया, तालिबान को ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक ही रात में पांसा पलट दिया गया। इवन कि आप अंदाजा कर लीजिए, इन्होंने कहा तालिबान के जो कमांडर्स हैं वो लोग भी मारे गए। अब जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इसके बाद जो बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है, एक तो उन्होंने कहा कि याद रखिएगा हम किसी से कोई मशरूत इमदाद नहीं लेंगे, ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा ले। अगर कोई ये समझता है कि पैसे देकर इमदाद देकर हमारे सिक्योरिटी मामलात या हमारे मुल्क में मदाखलत करेंगे तो आप ये इमदाद अपने पास रखें, हम इसको मुस्तरद करते हैं, मुस्तकबिल में भी हमें कोई ऐसी पेश की कोई भी हमें आपने ऑफर नहीं करनी, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम कोई ऐसी इमदाद नहीं वसूल करते जिससे हमारे मुल्क पर आँच आए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं यानी टीटीपी के हवाले से वो बड़े जायज़ हैं, और अब चूंकि हमने पंजशीर फतह कर लिया है तो अब हम पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उनको भी रिजॉल्व करेंगे। हकीकत टीवी ने आपको कल वीडियो बनाकर दी थी और आपको कहा था कि अफगान तालिबान ने आईएसआई के चीफ को क्लियरली ये बात कह दी है कि जनरल साहब आप काबुल आए हैं, आपका आना हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस, हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन हम एक चीज बता दें कि आपके मुल्क के ऊपर हमला हो और वो हमारा दूसरा घर है, ये अफगान तालिबान को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। आखिरी हद तक हम आपको जुबान देते हैं कि हम आपका साथ देंगे और यही चीजें चलेंगी। आप देखें ये वही बात है जिसकी बेस के ऊपर बरतानिया के आर्मी चीफ निक कार्टर ने कहा है कि अफगान तालिबान ये वो लोग नहीं है, ये 2.0 है। इन लोगों ने जो बात एक दफा कह दी है वो पूरी होती है। अब आप देख लें इंडियन मीडिया कहां पर खड़ा है। असल में उन्होंने काम ये किया था पिछले तकरीबन दो हफ्तों से, सबसे पहले तो वो ये कहते रहे वो बुड्ढा शेर, वो रशीद दोस्तम, मेजर गौरव आर्या बेवकूफ बनाता रहा। अब इन्होंने हाइप ये क्रिएट कर दी थी अपने लोगों में कि पंजशीर आखिरी रेजिस्टेंस है, ये कभी फता नहीं हुआ, अब यहां से रेजिस्टेंस फैलेगी पूरे अफगानिस्तान में। मोदी का जो आईटी सेल है वो वहां पर क्या काम करता रहा, वो काम ये करता रहा कि इन लोगों ने पूरी तरह वहां पर एक नेटवर्क बनाकर रखा था, और जो खास तौर पर वो प्रोपेगेंडा करते हैं कभी पाकिस्तान के अकाउंट्स बना लेते हैं, वही सब कुछ ऑपरेट कर रहे थे अफगानियों के नाम से और कह रहे थे हमने ये कर दिया वो कर दिया। आप ये देखें कि ये वही काम है जो अमेरिका ने किया 20 साल तक अमेरिका दुनिया को पागल बनाता रहा, हमने तालिबान को मार दिया, हमने शिकस्त दे दी, हम ये कर दिया वो कर दिया, और सूरत हाल ही है कि काबुल फतह 11 दिनों में काबुल फतह किया। अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे जानते हैं क्यों फेल हुए थे? वो इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि इस वक्त जो इनको पोजीशन दी गई थी, प्लान कुछ इस तरह था कि 31 अगस्त को अमेरिका यहां से निकलेगा और उसके बाद ब्लैक वाटर और ये सारे लोग उधम मचा देंगे पूरे अफगानिस्तान में। इनको तो पता ही नहीं था कि 14 अगस्त को वो पहुंच जाएंगे, और वो जब वहां पर पहुंच गए उन्होंने झंडे गाड़ दिए तो ये लोग वहां से चीखे मार रहे थे कि ये क्या हो गया। उसके बाद अमेरिका को समझ आई कि हम जो प्लान बनाकर बैठे थे, असल में वो ये सोचते थे कि तालिबान आएंगे अपने मुखालिफों को मारेंगे, कुछ करेंगे, आगे चलेंगे। तालिबान ने अपने किसी मुखालिफ को नहीं मारा, उनको गले लगाया। बहुत सारे लोग पाकिस्तान समेत इवन के अफगानिस्तान के अंदर ये बात कहते रहे कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने मारा क्यों नहीं। उनकी हिकमत अमली थी, देखिए आज वो मार देते 30-40 हज़ार लोगों को, उनके बच्चे कल को बड़े होकर 1.5-2 लाख की फोर्स बन जाते, किसी ओहदे पर पहुंच जाते, वो किसी अमीरुल मोमिनीन को नुकसान पहुंचाते, इनके अमीर को नुकसान पहुंचाते, किसी को पहुंचाते, फिर कहां पर जाते। इसीलिए उन्होंने लड़ाई ही खत्म कर दी, उन्होंने सबको माफ कर दिया। उसका फायदा ये हुआ कि अब देखिए ऐसे ऐसे सारे पायलट आ रहे हैं, ऐसे ऐसे तमाम लोग आ रहे हैं। तो सही बात है वो बरतानिया के आर्मी चीफ निक कार्टर की कि दुनिया की सोच जहां पर खत्म होती है तालिबान उससे आगे का सोचते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।